गाइस, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ Realme 7i की जो अपडेट आई है 22 अक्टूबर 2020 को, वो वाली अपडेट आप अपने फ़ोन के अंदर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको ऑफिशियली मिल चुके हैं दोस्तों, आपकी सेटिंग में और सॉफ्टवेयर अपडेट वाले ऑप्शन में जाकर के चेक कर लीजिए, आपको वहाँ पर मिल चुकी है अगर ये 22 अक्टूबर वाली अपडेट, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अगर ये आपको अपडेट नहीं मिली है, इसको मैनुअली डाउनलोड करना है आपको, तो किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं मैं सारा कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ दोस्तों। इसके लिए आपको अपने किसी एक ब्राउज़र में आ जाना है, क्रोम के ब्राउज़र में या किसी और ब्राउज़र में, और यहाँ पर ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है सॉफ्टवेयर अपडेट रियलमी, ठीक है, या रियलमी सॉफ्टवेयर अपडेट कर सर्च करने के बाद आपके सामने एक फर्स्ट वाला वेबसाइट आएगा रियलमी का ऑफिशियल, तो उसको आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आकर आपको अपने मॉडल को सिलेक्ट कर लें। यहाँ बहुत सारे मॉडल पड़े हुए होंगे पहले से, आपको अपना वाला मॉडल सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, इसमें मेरा मॉडल है रियलमी 7i, ठीक है ना, तो रियलमी 7i और ये अपडेट आई हुई है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कितने तारीख को, 22/10 को। तो दोस्तों, इसको डाउनलोड करने के लिए हमें इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये कंफर्म आएगा, यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है और हमारी जो अपडेट है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और उसके अलावा इस अपडेट के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं वो सारा कुछ बताऊँगा मैं। देखिएगा इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। इसके अंदर हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो जो गेमिंग करते थे उस टाइम पर वॉइस को गड़बड़ करता था, उसको फिक्स किया गया है, और जो कॉलिंग में प्रॉब्लम आ रही थी आवाज़ की आने जाने की, उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया गया यहाँ पे। उसके अलावा जो स्पीकर में प्रॉब्लम आ रहा था बजाने में, कभी कभार झिमझिमा रहा था, या फिर हम गाना स्टार्ट कर देते तो उसके बाद में प्ले करने के बाद वीडियो सॉन्ग्स उसके बाद में वॉइस आता था, इसका प्रॉब्लम आ रहा था मेरे ही फ़ोन में आ रहा था। ये सब कुछ यहाँ पर इन बग्स को उठा दिया गया है इस अपडेट के अंदर। और उसके अलावा इसको डाउनलोड करने के बाद, ये करीब आप देख रहे हो 3.22 GB का, इसको डाउनलोड करने के बाद कैसे इंस्टॉल करना है आपको मैं बताता हूँ। देखिएगा, इसको इंस्टॉल करने का तरीका ये है, अपने फ़ोन को आप एक बार स्विच ऑफ कर दो। स्विच ऑफ करने के बाद आपको क्या करना है, अपने फ़ोन के अंदर, अपने फ़ोन के अंदर जो आपका वॉल्यूम अप वाला बटन होता है और जो वाला वो बटन होता है पावर वाला, उन दोनों के साथ प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। देखिएगा, इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। आपको इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेना है और वॉल्यूम अप डाउन वाले बटन से ऊपर नीचे करके और पावर वाले बटन से। उसके बाद इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी फ़ाइल जहाँ पड़ी हुई, यानी SD कार्ड में या फ़ोन मेमोरी में, तो जाना है आपको फ़ोन मेमोरी में, जहाँ पर भी आपकी फ़ाइल है वहाँ जाने के बाद उस फाइल पर जब क्लिक करोगे तो वहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, तो आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद देन उसके बाद में आपका फ़ोन आपकी फ़ाइल को डिटेक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे अपडेट नाउ का आ सकता है ऑप्शन, इसको आपको क्लिक कर देना है और आपका फ़ोन रीस्टार्ट यानी कि अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि बूटिंग मोड में चला जाएगा। आपको इसको इंस्टॉल होने देना है, यानी कि ये 30 से 35 मिनट का टाइम ले सकता है, इस प्रोसेस को पूरा चलने देना है और आपका फ़ोन पूरी तरह से दोबारा से अपने आप ऑटोमेटिक चालू ना हो जाए तक उसमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही आपका फ़ोन फर्स्ट बूट दोबारा से होगा, आपके मोबाइल के अंदर ये वाली अपडेट आ चुकी होगी, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।